हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? सैलरी शीट बनाना। तो हम पहले लिख लेते हैं ऊपर हाउ टू मेक सैलरी शीट। हमने लिख लिया ऊपर हाउ टू मेक सैलरी शीट। यहां पे क्लिक करेंगे बड़े वाले ए पे जाके और ऐसे क्लिक करते रहना, ये बड़ा हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, हमें लिखना है इंप्लॉई। अब कोई भी हम सैलरी शीट बना रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे वर्कर टाइप्स। क्या लिखेंगे? वर्कर टाइप्स। अब वर्कर टाइप्स क्या होता है पहले जान लेते हैं। लिखने से पहले वर्कर टाइप्स का मतलब होता है, जैसे कि हमारी कंपनी में मैनेजर है, सुपरवाइजर है, पीओन है, और इंप्लॉय यानी कि वो काम करता है, सिस्टम पे काम करता है या जो भी काम करता है। तो जैसे इंप्लॉय के ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप का। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं? वर्कर टाइप्स। हमने लिख लिया वर्कर टाइप्स, इस पे क्लिक करते हैं। हमने आपको बताया था अगर ऊपर नीचे लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां क्लिक करेंगे और यहां पे जाके वर्कर टाइप्स हमने दो कॉलम में कर लिया। सीट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। हमने वर्कर टाइप्स लिख दिया। अब यहां पे लिख लेते हैं इंप्लॉय कोड। इंप्लॉय कोड, अब इंप्लॉय कोड लिख लिया, इसे एक ही लाइन में रहने देते हैं, आगे चलते हैं। लिखते हैं नेम ऑफ इंप्लॉय। इंप्लॉय को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ईएमपी, तो आप ध्यान देना कि इंप्लॉय जो लिखा हुआ है वो ईएमपी लिखा हुआ है। तो हमने यहां पे लिख लिया नेम ऑफ इंप्लॉय। उसके बाद हम लिख लेते हैं डे वर्क, कितने दिन काम किया। डे वर्क, उसके बगल में लिख लेते हैं टोटल आवर्स, कितने दिन काम किया और कितने दिन में कितने घंटे काम किया। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं टोटल आवर्स। टोटल आवर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या इसने कोई ओवरटाइम वगैरह भी लगाया है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ओवरटाइम। यहां हमने लिख लिया ओवर टाइम। अगला हम लिख लेते हैं ओवर टाइम चार्जेस। यहां पे हमने लिख लिया ओवर टाइम चार्ज। उसके बाद हम लिख ले इसे ऊपर नीचे कर देते हैं यहां से। उसके बाद यहां पे हम लिख लेते हैं बेसिक पे। उसके बाद हम लिख लेते हैं नेट पे। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहां जाके क्लिक कर देते हैं जिससे ये बीच में आ जाए। अब ये बीच में आ गया, यहां से कलर कर लेंगे बैकग्राउंड को। यहां से ड्रॉप डाउन में से कोई ठीक ठाक सा कलर चूज कर ले। चलो ये कलर चूज कर लिया। यहां पे जाके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। पूरा कितना, जितने इंप्लॉयज का हमें बनाना हो, लगभग इतने इंप्लॉयज का बनाना है, तीन चार इंप्लॉय का। तो हम यहां पे जाके पूरा कर देते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर करने से हमारा ऐसे कलर में दिखाई देने लगा, बॉर्डर लग गया। ऊपर वाले टाइटल को भी हम ऐसे सिलेक्ट करके यहां पे जाके मार्जिन सेंटर कर देते हैं जिससे ये बीच में आ जाए। उसके बाद यहां जाके कलर फिल कर देंगे, ब्लैक ले लिया, और उसके बाद यहां से जाके टेक्स्ट को व्हाइट कर देते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक सा फॉन्ट लगा लेते हैं। अब ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया, किसका? सैलरी। अब सैलरी का फॉर्मेट सबसे पहले आ जाते हैं वर्कर टाइप्स। वर्कर टाइप्स में हम लिख देते हैं ए। वर्कर टाइप्स में मैं एबीसीडी लिख देता हूं। आप मैनेजर, सुपरवाइजर कुछ भी लिख सकते हो, मैं एबीसीडी लिख देता हूं।
ए बी सी डी, हम ऐसे चार कॉलम का बनाएंगे। उसके बाद यहां पे एम्प्लॉय कोड में मैं लिख देता हूं 100, 101, 102, और ऐसे करके पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहां पे जाके बीच वाले पे क्लिक कर दीजिए, जैसे जो भी आप लिखें वो टेक्स्ट बीच में आए। फिर यहां पे आ जाते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉई, पहले हम लिख देते हैं आदि, मैं अपना नाम लिख दिया। दूसरा लिख देते कोमल, तीसरा लिख देते हैं सुमित, फिर लिख देते राजू। एंटर करते हैं। अब वर्कर, अब डे वर्क किसने कितने दिन काम किया, आदि ने 25 दिन काम किया, सुमित ने 26 दिन काम किया, 31 दिन काम कर दिया सुमित ने, राजू ने कर लिया 24 दिन काम। अब हमारे ऑफिस में लगी है पंचिंग मशीन, तो पंचिंग मशीन हमें बताएगी कि किसने कितने घंटों में कितना काम किया। तो आदि ने जो काम किया है वो किया 300 घंटे काम 25 दिन, 26 दिन में 280 दिन काम किया कोमल ने, राजू ने रोज आता था लेकिन जल्दी आता था, जल्दी चला जाता था, तो 250 घंटे काम किया राजू, 24 दिन में इतने भी कर लिया 250 घंटे काम राजू ने भी। तो ये हमारे पास सबकी डिटेल आ गई। अब ओवर टाइम, अब हमें ओवर टाइम क्या करना है, निकालना पड़ेगा फॉर्मूले लगा के। तो यहां पे ओवर टाइम का फॉर्मूला होगा इक्वल टू, बराबर का निशान लगाएंगे, टोटल आवर्स माइनस डे वर्क मल्टीप्लाई 8, यानी कि जो हमारे ऑफिस में काम करने की अवधि है वो 8 घंटे का, जो हमारे यहाँ ऑफिस में शिफ्ट होता है वो 8 घंटे का होता है। 8 घंटे के बाद भी अगर आप ऑफिस में रुक के काम करते हैं तो उसके बदले आपको ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 8 कर दिया। आपके ऑफिस में 9 घंटे हो, 10 घंटे हो, 12 घंटे की शिफ्ट हो, तो आप 12 घंटे भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, इक्वल टू डे वर्क माइ, यहां पे हमें करना है टोटल आवर्स, क्या करना है टोटल आवर्स, पहले टोटल आवर्स माइ, देखो दोबारा बता देता हूं क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है, टोटल आवर्स माइनस डे वर्क मल्टीप्लाई 8, एंटर कर दीजिए। देखिए 100 घंटे आदि ने ओवर टाइम लगाया, आप ऐसे ट्रैक कर लीजिए सबका निकल जाएगा। अब आ जाइए यहां पे ओवर टाइम चार्जेस, ओवर टाइम चार्जेस हमें इंप्लॉय के अकॉर्डिंग देना है, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, क्या लिखेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन, सिलेक्ट करेंगे वर्कर टाइप्स, वर्कर टाइप सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा, अगर हमारा वर्कर टाइप्स ए है, अगर हमारा वर्कर टाइप्स ए है तो उसे मिलना चाहिए ओवर टाइम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर वाला, तो F3 मल्टीप्लाई 100, अगर हमारा वर्कर टाइप्स ए है तो उसे ओवर टाइम मल्टीप्लाई 100 ₹100 पर घंटे मिलने चाहिए, कॉमा इफ दोबारा से ब्रैकेट ऑन, वर्कर टाइप सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से इक्वल टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, बी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे हम, या तो हम लिख सकते हैं F3 या तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं F3 लिख दूंगा, F3 यानी कि ओवर टाइम मल्टीप्लाई 70, ओवर टाइम मल्टीप्लाई 70, अगर वो बी ग्रेड का एम्प्लॉय है तो उसे ₹70 पर घंटे ओवर टाइम मिलेगा, और उसके बाद फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर ओवर टाइम सिलेक्ट करना है, यानी कि F3 मल्टीप्लाई 50। देखो अगर ए ग्रेड का एम्प्लॉय उसे ₹100 पर घंटे मिलेगा, बी ग्रेड का एम्प्लॉय है तो उसे ₹70 पर घंटे मिलेगा, बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड का कोई भी एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम लगाएगा तो उसे ₹50 पर घंटे मिलेगा, ठीक है।
तो 50 रुपए पर घंटे मिलेगा, तो यानी कि उसके बाद का सबका फ्लैट रेट है। तो मैं 2 बार ब्रैकेट ऑन किया हूं, तो 2 बार ऑफ करके एंटर कर दूंगा, तो आदि को 100 घंटे के 10,000 रुपए मिला ओवर टाइम। अब वहीं पे इसे ड्रैग कर लीजिए, तो इसे 70 रुपए पर घंटे के हिसाब से 72 घंटे के 540 रुपए मिले, 5,040 रुपए मिले। ऐसे ट्रैक कर लीजिए, तो इसे मिले हैं, इसने लगाए हैं 2 घंटे ओवर टाइम, तो इसे, ये सी ग्रेड का पर्सन है, तो इसे मिला है 100 रुपए। इसने 58 घंटे लगाए हैं डी वाले ने, तो इसे मिला 2900 मिला है, यानी कि इसे 50 रुपए के रेट से मिला है। तो जहां तक आपको ओवर टाइम समझ आ गया होगा, अब आ जाइए बेसिक पे। अब बेसिक पे में भी हमें ऐसे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि दिहाड़ी के अकॉर्डिंग इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन। अब यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे वर्कर टाइप्स, अगेन हम क्या करेंगे वर्कर टाइप सिलेक्ट करेंगे दोबारा से, और उसके बाद वही इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब यहां पे वर्कर टाइप्स के साथ साथ हम कर सकते हैं क्या, पहले हम ओवर टाइम सिलेक्ट कर रहे थे, अब हम कर लेंगे डे वर्क सिलेक्ट। क्या कर लेंगे डे वर्क सिलेक्ट, तो डे वर्क यहां पे एक कॉमा भी लगाना होगा। चलो दोबारा से फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन सिलेक्ट वर्कर टाइप्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा डे वर्क मल्टीप्लाई 100। अगर ए ग्रेड का पर्सन है और एक दिन ड्यूटी पे जाता है, तो उसे कितना मिलता है, उसे मिलता है 1,000 रुपया। फिर वो ऐसे कॉमा लगाएंगे इफ ब्रैकेट ऑन, दोबारा से वर्कर टाइप सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बी इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा वर्कर टाइप डे वर्क मल्टीप्लाई 700, 700 करेंगे कॉमा लगाएंगे। यानी कि अगर बी ग्रेड का कोई पर्सन एक दिन ड्यूटी पे जाता है, उसे 700 रुपए मिलेंगे। अब आ जाइए उसके बाद वाले ग्रेड पे, तो वर्कर टाइप्स मल्टीप्लाई 500, यानी कि उसके बाद का कोई भी पर्सन डी ग्रेड सी ग्रेड ई ग्रेड का कोई भी पर्सन जो जाएगा, उसे 1,000 रुपये दिहाड़ी मिलेगा। तो ब्रैकेट करते हैं 2 बार बंद और कर देते हैं एंटर। अब आदि को 25 दिन के 25,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये सही है। और उसके बाद देखिए यहां पे इसे 26 दिन के मिल रहे हैं 18,200, 700 रुपये पर डे के हिसाब से। आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके ऐसे बता देता हूं, 26 मल्टीप्लाई 700 एंटर कर दीजिए, 18,200 रुपये आ गया। तो ये 18,200 रुपये आ गया, यानी कि उसे मिल रहा है 700 रुपये पर डे की दिहाड़ी से। डिलीट कर देते हैं इसे। अब नेट पे इक्वल टू ओवर टाइम चार्जेस प्लस ओवर टाइम चार्जेस प्लस बेसिक पे एंटर कर दीजिए, तो ये 35,000, 10,000 ओवर टाइम, 25,000 तनख्वाह, 35,000 हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, सबका निकल गया। अब देखो यहां तक वीडियो समझ में आई हो तो थोड़ा सा और देखिए, अगर ये तो सारी बात प्लस में हो गई, लेकिन क्या हुआ, ये आदमी कभी कभी क्या करता था, 2 बजे चला जाता था, 1 बजे चला जाता। मान लो ये 31 दिन काम किया है, लेकिन ये 31 दिन में इसने काम किया है केवल 200 घंटे। कितना किया है, 200 घंटे। रोज लेट जाता था और जल्दी आ जाता था, तो केवल 200 घंटे काम किया, तो इसने 48 घंटे कम काम किया है, तो 2400 रुपये माइनस हो जाएगा। तो इसकी तनख्वाह थी टोटल 15,000, इसे जो मिल रहा था 31 दिन का, वो मिल रहा था 15,500। 15,500 में से माइनस 2400 हो गया, तो 13,100 रुपये मिलेंगे। बस ये वीडियो यही खत्म होती है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एक्सेल सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।